तो आ जाओ बच्चों, जल्दी जुड़ जाओ। हेलो बेटा दीपसिका गौतम, हेलो हेलो जितेंद्र बेटा, जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाओ बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे 38 स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। एक मिनट के अंदर गैदरिंग कर दी 38 बच्चों ने, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही प्यारे बच्चे, ठीक है। यश कुमार सैनी 12th B, अच्छा बेटा ठीक है, ओके बेटा ओके। डिशु 12th C, चलो 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 बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा कल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो ग्राफ पढ़ाया था, एक बार देख लो जल्दी से, अपनी वीडियो क्वालिटी एडजस्ट भी कर लेना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड दिस इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आंसर पूछूं आप जल्दी से रिप्लाई करते जाना बेटा, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे मैं आंसर पूछूं आप रिप्लाई करते जाना, ठीक है। हाँ चलो, प्रदीप 12th D, अच्छा अश्विनी 12th A, शीतल 12th D, चलो पायल यादव 12th D, बेटा 12th D, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों आ जाओ, स्टार्ट करते हैं क्लास को। बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा रहे थे, तो मुझे यहां तक बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरा पढ़ाया हुआ ग्राफ क्लियर हो गया था। मैंने एक ग्राफ पढ़ाया था बेटा, वो ग्राफ क्लियर हो गया था, चलो चलो फिर बेटा फिर से पढ़ा देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको दोबारा से पढ़ाना चाहिए। देखो एक बार हल्का सा रिपीटेशन मारता हूं मैं, और बहुत जरूरी भी है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसी बात बताई थी कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है। देखो आप अपने नोट्स लेके बैठा करो, क्योंकि मैंने पिछली बात जो रिपीट की थी, आप अपने नोट्स में देखो, क्लास नोट्स में, कि सर ने जो बताया था कि वो लॉजिकली बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। चलो देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या बताया था मैंने, कि द टेम्परेचर एट विच, एक बार मैच करो अपने नोट्स में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड becomes equal to vapor pressure of liquid। और एक डेफिनेशन और बताई थी कि freezing point is defined as the temperature at which the solid and liquid states of a substance can coexist। बेटा दोनों वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा एक नंबर से, तरीके समझना, एक नंबर का कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया समझ में आएगा बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ देखो मैं कह रहा हूं फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है बच्चों जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है, या एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे किसी भी सब्सटेंस की दो स्टेट एक साथ, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करती है बच्चा, को एग्जिस्ट करती है। मैं आपको एग्जांपल ग्राफ से समझाऊंगा, देखो ग्राफ को बड़ा ध्यान से गहराई से समझना मेरे बच्चे। यहां पर मैं ले रहा हूं प्रेशर, प्रेशर चाहे वेपर प्रेशर हो चाहे प्रेशर नॉर्मल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर ले रहा हूं टेम्परेचर, इधर ले रहा हूं प्रेशर, इधर ले रहा हूं टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। हाँ आ जाओ, अब ठीक है बच्चों, हाँ आपकी क्लियरिटी आ रही होगी, चलो बहुत बढ़िया। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर
लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर हो जाता है, या ऐसा टेम्परेचर जिस पे दो सब्सटेंस को एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। आज बच्चे क्लास में कम हैं और ये कम क्यों हैं इसका पता लगा देंगे अभी थोड़ी देर में कि बेटा क्लास में बच्चे आज कम क्यों आए हैं, पहले से चेक करो। कोई दूसरी क्लास तो नहीं चल रही है पैरेलल? कोई फिजिक्स या मैथ की क्लास तो पैरेलल नहीं चल रही है? मुझे ये बताओ, फिजिक्स या मैथ की क्लास पैरेलल तो नहीं चल रही है? अच्छा नहीं है, बायो की क्लास भी नहीं है। अच्छा कोमल यादव नो नो, कनक कह रहे यस। कौन सी चल रही है बेटा, मैथ की क्लास तो ओवर कर दी सर ने, मुझे पता है किसी की भी नहीं है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, जितने आएंगे उतने को तो हम पढ़ाएंगे, बाकी जिनको क्लास को सीरियसली लेना ही नहीं है उनका क्या कर सकते हैं। चलो आगे बच्चे आ जाओ, आ जाओ बेटा। देखो ये प्रेशर था, ये टेम्परेचर था, तो मैंने एक ग्राफ बनाया था, बड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त लॉजिक से समझाऊंगा। ये ग्राफ का यहां तक ग्राफ आया, मान लो यहां तक ये ग्राफ का जो फेज है वो मैं लिख देता हूं, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, मतलब लिक्विड प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इस पॉइंट तक आया, ठीक है। अब आप देखो इस टेम्परेचर से मान लो मैं नीचे ले आता हूं, ध्यान से देखना, ये नीचे ले आया मैं, ठीक है, और इस टेम्परेचर पे आते ही ध्यान से समझना, इस पॉइंट पे आते ही बेटा, इस पॉइंट को मैंने ए पॉइंट कह दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे आते ही ये प्योर सॉल्वेंट जो लिक्विड है वो फ्रीज हो जाता है, और इस टेम्परेचर को मैं टी नोट कह देता हूं, ठीक है। तो मेरा टी नोट क्या है मेरा प्यारा बच्चा, टी नोट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, यहां पर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, टी नोट, क्योंकि यहां पर इस सॉल्वेंट ए पॉइंट पे आते ही क्या हो जाता है मेरा बच्चा, फ्रीज हो जाता है। अब देखो अगर टेम्परेचर टी नोट से कम होगा, ध्यान से सुनना है मेरी बात, ठीक है, जब टेम्परेचर टी नोट से कम होगा, टी नोट से कम कब, इधर की तरफ आ रहे हैं, अब ध्यान से समझना, अगर टेम्परेचर टी नोट से कम करूंगा तो अपने को पता है कि अगर प्योर सॉल्वेंट मेरा बच्चा वाटर हुआ, अगर प्योर सॉल्वेंट वाटर हुआ, प्योर सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर, तो हमें टी नोट की वैल्यू पता है, वाटर के लिए टी नोट होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, 373 नहीं लेना, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आते ही पानी फ्रीज हो जाता है, कल मैंने बताया था पर पिछली क्लास में, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे बर्फ तो पिघल जाती है लेकिन पानी जम जाता है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर दोनों स्टेट एक साथ को एग्जिस्ट कर सकती है, और उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ध्यान से समझना। अगर मेरे पास आइस है और आइस से बन गया वाटर लिक्विड, ठीक है, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल करके वाटर बनती है, और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जम करके क्या बन जाता है, आइस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर मैंने 0 से ऊपर कर दिया, ध्यान से सुनना, अगर मेरे बच्चा, अगर मैंने टेम्परेचर 0 से ऊपर कर दिया तब तो मेल्टिंग होगी, फ्रीजिंग नहीं होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर 0 से नीचे नीचे कर दिया -2 -3 तब केवल फ्रीजिंग होगी, फिर मेल्टिंग नहीं होगी। आया लॉजिक समझ में? तो लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों एक साथ हो सकते हैं, इसलिए आइस का वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस मैंने लिया है टी नोट। अब टी नोट से कम कितना भी आ जाओ, इधर की तरफ ग्राफ, मान लो ग्राफ इधर की तरफ आ रहा है, यहां तक आ गया ये ग्राफ, यहां तक आया, ठीक है, हाँ, ट्रिपल पॉइंट से समझाया था मैंने, तो ये जो ग्राफ आएगा, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया बी और इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। तो यहां पर मैंने दो बातें बताई थी बेटा, ध्यान से समझना, देखो इस पॉइंट पे देखो, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पे देखो
इधर जा रहे हैं, एबी ग्राफ किसका बताया था? सॉलिड सॉल्वेंट का, काफी बच्चों को पता होगा। एबी ग्राफ किसका बताया था? सॉलिड सॉल्वेंट, मतलब जहां पर सॉल्वेंट फ्रीज हो चुका है, और सॉलिड सॉल्वेंट को बोलते हैं फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब होता है जो फ्रीज हो चुका है। अरे मैंने बताया था, आप पानी में कितना भी नमक डाल लो, आप पानी में कितनी भी चीनी डाल लो, लेकिन सॉल्यूशन का जो पार्ट फ्रीज होता है वो सॉल्वेंट ही होता है हमेशा। सॉल्यूट कभी फ्रीज नहीं होता मेरा बच्चा, ये याद रखना लाइफ टाइम, ठीक है। काफी लोगों को लग रहा होगा कि सर सॉल्यूशन फ्रीज होता है तो दोनों कंपोनेंट फ्रीज होते हैं। नहीं बेटा, हमेशा सॉल्वेंट वाला पार्ट ही फ्रीज होता है, ठीक है। यस, याद रखना। तो एबी जो टेम्परेचर टी नोट से कम करेंगे, देखो टी नोट से कम की तरफ, मतलब ग्राफ में इधर की तरफ लेकर आ रहा हूं, टी नोट से कम क्या होगा? -2, -3, -4, और माइनस में लेकर आऊंगा तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। तो मेरा ग्राफ का जो एबी कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रोजन सॉल्वेंट। और एसी कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिक्विड सॉल्वेंट। मेरी यह बात यहां तक क्रिस्टल क्लीन है? जल्दी बोलो मेरे बच्चों, यहां तक क्रिस्टल क्लीन है ग्राफ? यहां तक ग्राफ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे, ठीक है। और देखो ए पॉइंट पे, देखो ए पॉइंट पर इधर आता हूं तो सॉलिड, उधर जाऊंगा तो लिक्विड। देखो ए पॉइंट पे, देखो इधर गया तो सॉलिड, उधर गया तो लिक्विड, लेकिन ए पॉइंट पे देखो सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर आएगा, ये वाला इस पॉइंट पे ये जो वेपर प्रेशर आ रहा है, इस पे सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो गया, इस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। देख लो, मैंने यही बोला है, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। तो देखो इस पॉइंट पे देखो सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो गए, और ये टेम्परेचर क्या है? टी नोट। और टी नोट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन है मेरे प्यारे बच्चों। चलो मैं फर्स्ट पॉइंट को मिटा देता हूं, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो चुका, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, उस टेम्परेचर का नाम है फ्रीजिंग पॉइंट। चलो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब इधर आ जाओ, ग्राफ तो आ गया समझ में, अब आएगा विलन की एंट्री होगी। अब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की एंट्री होगी मेरा बच्चा, ठीक है। तो मैं ग्राफ के अंदर लिख देता हूं, जिन्होंने बच्चों ने पिछली बार क्लास को सीरियसली नहीं लिया था। तो यहां पर एबी कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एबी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है कि सॉल्वेंट फ्रीज हो चुका है, सॉल्वेंट फ्रोजन है। फ्रोजन सॉल्वेंट को आप सॉलिड सॉल्वेंट भी कह सकते हो, कि सॉल्वेंट फ्रीज होकर सॉलिड बन चुका है, ठीक है। और एसी जो कर्व है वो आपका प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ, अब ग्राफ के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की एंट्री करवाते हैं। अब सबको पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की एंट्री होने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटता है, ये सभी को पता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, जिसको हम बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये सबको पता है किससे लिखते हैं? पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। वेपर प्रेशर में कमी आएगी तो ग्राफ सॉल्यूशन का नीचे से हो क्या आएगा? मान लो ग्राफ सॉल्यूशन का यहां से आ रहा है, ठीक है, यहां तक आया, यहां तक आया। ये ग्राफ किसका है? सॉल्यूशन का है मेरे बच्चे। ग्राफ, ये ग्राफ किसका है? सॉल्यूशन का है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये ग्राफ अगर सॉल्यूशन का है तो सॉल्यूशन एक ऐसे टेम्परेचर पर फ्रीज होगा, ठीक है भाई। देखो सॉल्यूशन विल फ्रीज एट ए टेम्परेचर लेसर देन प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। ये बात भी मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी मेरा बच्चा, कि अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा तो ये ग्राफ जहां पर टच करेगा, कहां पे टच करेगा? जहां पे वो सॉल्वेंट फ्रीज हो सकता है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? फ्रीज। देखो मैंने आपको क्या बताया था मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। मैंने कहा मेरे बच्चे कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ये होते हैं मेरे बच्चे,
दो ही कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मैंने बोला कि सॉलिड तो कभी फ्रीज ही नहीं होता। अरे सॉलिड कभी फ्रीज नहीं होता सॉल्यूशन में, फ्रीज कौन होता है? सॉल्वेंट होता है। और सॉल्वेंट किस टेम्परेचर पर फ्रीज होगा? अरे सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पर फ्रीज होगा उसी टेम्परेचर पर क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। भाई फिर से सुनो मेरे बच्चों, में क्या कहना चाह रहा हूं कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट कभी फ्रीज नहीं होता, तो सॉल्यूशन उस टेम्परेचर पर फ्रीज होगा जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता, तो सॉल्यूशन उस टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है। समझ में आया? देख लो, आप देखो सॉल्वेंट फ्रीज कब हो रहा है? ए से बी कर्व में। देखो ए से बी कर्व के अंदर सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है, देखो ए से बी कर्व में सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है। तो ए से बी कर्व में आप सॉल्यूशन का ग्राफ कहीं भी टच कर दो, मान लो मैंने यहां पे लाके यहां पे टच कर दिया, तो इस पॉइंट को मैंने डी कह दिया, इस पॉइंट को क्या कह दिया? डी। और इस पॉइंट को कह दिया ई। तो मैंने आपको बोला था, याद होगा, तो जो डी ई कर्व है वो डी ई कर्व क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और डी पॉइंट पे आते ही, ध्यान से सुनो मेरे बच्चा, डी पॉइंट पे आते ही सॉल्यूशन फ्रीज होगा। क्या फ्रीज होगा? सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है, सॉल्यूट कभी फ्रीज नहीं होता, तो सॉल्यूशन उस पॉइंट पे फ्रीज होगा जिस पर सॉल्वेंट फ्रीज हो चुका है। और सॉल्वेंट फ्रीज कौन होगा? एबी कर्व में। एबी कर्व, एबी कर्व पे डी पे टच करते ही सॉल्वेंट फ्रीज हो गया। अब इस टेम्परेचर को नीचे ले आओ, इस टेम्परेचर को नीचे ले आओ मेरे बच्चा, इस टेम्परेचर को बोलेंगे टीएस। इस टेम्परेचर क्या बोलेंगे? टीएस। और ये टीएस क्या हो गया मेरे बच्चों? ये टीएस हो गया वेपर प्रेशर, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये टीएस क्या हो गया? टीएस क्या से कम आ रहा है? देख लो, टी नोट ज्यादा है, टीएस कम है, टी नोट ज्यादा है, टीएस कम है। और ये जो कमी है फ्रीजिंग पॉइंट में, ये जो कमी आई है टी नोट और टीएस, इसको बोलते हैं डेल्टा टीएस। डेल्टा टीएस, बॉइलिंग में बोला था डेल्टा टीबी, फ्रीजिंग बोलेंगे डेल्टा टीएस। बताओ मेरे बच्चों, मेरे बच्चों जल्दी बताओ, यहां तक क्रिस्टल क्लीन है कि नहीं है? जल्दी बोलो मेरे बच्चों, मेरे लग रही है जुकाम। आज क्लास में वो बच्चे नहीं आएंगे जो केवल डिसलाइक के लिए आते हैं, क्योंकि आप नितेश सर ने कर दिया लाइक डिसलाइक का ऑप्शन खत्म। मारे जाओ बेटा, कितने डिसलाइक, मुझे दिखेंगे नहीं, ना आप देख सकते हो ना मैं देख सकता हूं। एक नंबर का जुगाड़ बैठा दिया। अश्विनी सैनी कह रहे, सर आर यू ओके? बेटा ये एक आधे तो होते हैं कोरोना पॉजिटिव कर रहे हैं। बेटा तेरी क्लास कौन लेगा कोरोना पॉजिटिव हो गया तो? है एलबीस गेमर, बेटा अपना नाम चेंज कर ले जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके अपने नाम चेंज कर ले, नहीं तो तेरी रेल बना दूंगा। चलो यहां तक ग्राफ हो गया बेटा क्लियर। तो अपने को क्या पता लगाना था बेटा? अपने को यही पता लगाना था कि जब सॉल्यूशन की एंट्री होती है सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटता है और फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, और सॉल्यूशन उस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट आपका फ्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लिखो मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ, तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आएगा उस टर्म को बोलते हैं डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बोला था डेल्टा टीबी, फ्रीजिंग में डिप्रेशन को बोलते हैं डेल्टा टीएफ। और ये किसके बराबर होगा मेरा बच्चा? टी नोट माइनस टीएस। वो क्या था? टीएस माइनस टी नोट, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, लेकिन इस बार सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो टी नोट माइनस टीएस। ठीक है, और टीएस जितना कम होगा, लेसर इज द टीएस। टीएस का मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम होगा,
मोर इज द डेल्टा टी एफ, करके देख लो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, मान लो किसी सोल्यूट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, कितना मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, मान लो 10 ग्राम। ठीक है, और 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट करके -3 डिग्री सेल्सियस आ गया। कितना आ गया? -3 डिग्री सेल्सियस। और -3 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? 273.15 में 3 घटाओ, 270.15 केल्विन हो गया। केल्विन में कितना आएगा? 270.15। -3 में नीचे जाता है बेटा। ठीक है, हाँ, तो डेल्टा टी एफ निकाल के देखो कितना आएगा। डेल्टा टी एफ कितना आएगा? टी नॉट माइनस टी एस, तो करके देखो 0 माइनस टी नॉट की वैल्यू 0 है और टी एस की वैल्यू -3 रखनी है, -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 3 डिग्री सेल्सियस का डिग्री आ गया। डेल्टा टी एफ का मतलब क्या है? 3 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन आ गया। 0 से -3 हो गया ना, अरे 0 से -3 हुआ है तो कितने का डिप्रेशन आया? 3 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन आ गया। दिस इज कॉल्ड। अब मान लो मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 10 ग्राम से बढ़ाकर 20 ग्राम कर दिया, 10 ग्राम से बढ़ाकर मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना कर दिया? 20 ग्राम। और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन मान लो 3 डिग्री सेल्सियस नहीं, -5 डिग्री सेल्सियस आ गया। कितना आ गया? -5 डिग्री सेल्सियस। और -5 का मतलब अब कितना हो गया? 268.15 केल्विन। तो अब डेल्टा टी एफ कितना आएगा? -3 की जगह -5 कर दो, डिप्रेशन आ गया 5 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, तो यहां से सीधी सी बात प्रूव होती है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जितना घटता है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन उतना ज्यादा आता है। तो टी एस जितना कम होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम होगा, डेल्टा टी एफ उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हां जी, चलो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो ग्राफ ले लो, एक नंबर का ग्राफ बनाया मैंने, वहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, अब कुछ नहीं बचा, अब इस टॉपिक में कुछ नहीं बचा, अब मैं छोटी सी बात और रिलेट करूंगा, बस इस ग्राफ को नोट कर लेना बारीकी से। ठीक है बेटा, चलो प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, और ध्यान रखना सेक्शन सी, जो सेक्शन सी के स्टूडेंट्स हैं नॉन मेडिकल के, उनका मुझे केवल 7 बच्चों का, ओनली 7 स्टूडेंट्स का होमवर्क मेरे पास पहुंचा है। और जब तक कि मैंने डेडलाइन दी थी आपको कि मुझे संडे को रात को 8 बजे तक मेरा होमवर्क मिल जाना चाहिए, तो बेटा सेक्शन सी वालों, जो आप इस चीज को, मेरी बातों को नॉन सीरियस ले रहे हो, तो बेटा वो सीरियसली लेना शुरू कर दो जितना जल्दी हो सके। ठीक है, क्योंकि मैं आपका दुश्मन तो हूं नहीं, सीधी सी बात ये है, आपका दुश्मन तो हूं नहीं मैं, तो आप जितना जल्दी हो सके, स्पेशली बॉयज को बोल रहा हूं, बेटा लाइन पे आ जाओ, ट्रैक पे आ जाओ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पिछले लेक्चर में जब मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था, डेल्टा टीपी जो होता है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि इट इज फाउंड दैट, क्योंकि आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना एंट्री करवाओगे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इतना ज्यादा आएगा, कि डेल्टा टी एफ जो होता है वो भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ रहा है वो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही लेकर आ रहा है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आप ध्यान से सुनना, दोनों कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहा हूं, एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की एंट्री होने से बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आता है तब तो डेल्टा टीपी को बोलते हैं टी एस माइनस टी नॉट, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, हां जी, वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, लेकिन फ्रीजिंग के केस में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है तो टी नॉट पहले आता है, टी एस बाद में आता है। यहां पर टी नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टी एस क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलो अब देखो दोनों को रिलेट करो, उसका साइन और प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे तो के बी आया था, इसका साइन और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो के एफ आएगा। बेटा क्या आएगा? के एफ, थोड़ा सा सिमिलरिटी है, उसमें के बी था, इसमें के एफ, के एफ लिख लो क्या होता है, उसको क्या बोला था के बी को, भाई इसमें के बी था ना बेटा, यहां ये बात मत लिखना इधर वाली, राइट हैंड साइड वाला पॉइंट आपको नोट नहीं करना, मैं केवल कंपेरेटिव स्टडी सिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको न्यूमेरिकल में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है मेरे बच्चा, तो एम
Kf, उसमें Kb क्या था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, एलिवेशन की जगह डिप्रेशन बोल दो, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। उसका दूसरा नाम क्या था? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम लिखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और हाँ, एक बात इसकी तरह इसमें भी नोट कर लो, मैंने बोला था केबी की वैल्यू अगर वाटर हुआ तो 0.52 होती है, 0.52, और केएफ अगर वाटर हुआ तो वैल्यू लेनी है 1.86, लिख लो 1.86, और यूनिट सेम है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, यूनिट सेम है, क्योंकि इसको निकालोगे केएफ को तो भी डेल्टा टीएफ बाई एम करना पड़ेगा, समझ में आया? हाँ, यूनिट सेम है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। चलो अब एक बात और सुनो ध्यान से मेरी, अब एक बात और सुनो ध्यान से बेटा, एक बात तो ध्यान क्लियर रखना ना, शायद आज पुण्य मैडम ने पहले क्लास ले ली आज फिजिक्स की, तो आई थिंक केमिस्ट्री के बाद आपकी कोई क्लास नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ, केमिस्ट्री के बाद आई थिंक आपकी क्लास नहीं है, नहीं है ना? चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इसका मतलब हम क्लास को थोड़ा सा वन आवर की कर सकते हैं। हाँ विपुल यादव, इंग्लिश की तो है वो, तो 12 बजे मुझे पता है, हम इतने बेवकूफ नहीं खड़े यहाँ पे, इंग्लिश की 12 बजे है, मुझे अगली क्लास भी लेनी है 11th की, पता है मुझे। हाँ बेटा, आज प्लस वन की क्लास में आ सकते हो आप, ठीक है, प्लस वन में मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चे नीट की तैयारी के लिए अवेयर है तो मेरे 11th के लेक्चर भी आप देख सकते हो, स्पेशली मैं आपको लेक्चर में लास्ट में जाते जाते बता के जाऊंगा, ठीक है, कि 11th के कौन कौन से लेक्चर आप देख सकते हैं जिनसे आपकी नीट की तैयारी हो सकती है, ठीक है, पहले इस पर ध्यान दो। केएफ कितना आएगा बेटा? 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, यूनिट सेम रहेगी, क्योंकि केएफ अगर आप निकालोगे तो वो क्या आएगा? डेल्टा टीएफ अपॉन एम, ये आएगा, देखो केएफ की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? डेल्टा टीएफ अपॉन एम, डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी तो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर यूनिट तो केल्विन ही रहेगी, और दुनिया को पता है, ये तो मैंने बता के गया था कि बेटा जो मोलिलिटी होती है, मोलिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट, सबको बताया था मैंने भाई, ऊपर वाली टर्म मोल्स, मोल्स वाली टर्म सोल्यूट को रिप्रेजेंट करती है मेरे प्यारा बच्चा, और किलोग्राम वाली टर्म सोलवेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो मोलिलिटी यूनिट क्या होती है? मोल्स पर किलोग्राम, तो मोल्स यहाँ पे लिखो पर किलोग्राम, किलोग्राम चला जाएगा ऊपर बाद में, तो लास्ट में यूनिट क्या बनेगी? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। चलो ये बात मैं बता चुका, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। चलो तो इसका फाइनल फार्मूला क्या बनेगा? हाँ बस फाइनल फार्मूला लिख दो, फाइनल फार्मूला लिख दो, कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि मोलिलिटी का फार्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर वेट, नीचे सॉल्वेंट का वेट मल्टीप्लाई बाय 1000, तो वैल्यू रखो तो डेल्टा टीएफ कितना आएगा? केएफ इनटू एम, एम की वैल्यू केबी डब्ल्यूबी अपॉन एमबी, नीचे डब्ल्यूए मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपका फाइनल फार्मूला है डेल्टा टीएफ निकालने का, ये डेल्टा टीएफ निकालने का फाइनल फार्मूला है बेटा, इस पे न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। हाँ अब एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, सारे बच्चे तैयार हो जाओ। हाँ और हाँ ध्यान रखना, जिस तरह केबी की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जो आपके केबी और केएफ है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, दीज आर नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, इनकी वैल्यू सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, अगर वाटर लिया तो अलग, बेंजीन सॉल्वेंट लिया तो अलग, क्लोरोफॉर्म लिया तो अलग, देयर वैल्यू चेंजेज अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी केएफ की वैल्यू अलग अलग होती है, तो दीज आर नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, कभी एक बार रट के चले जाओ कि सर केबी हमेशा 0.52 लेना है, बेटा ये वाटर के लिए लेना है, और केएफ वाटर के लिए कितना लेना है लिख देता हूँ, काफी बच्चे कंफ्यूजन हो जाए, ये बेटा केएफ की वैल्यू केवल वाटर के लिए है, केवल वाटर के लिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल में गिवन देगा एग्जामिनर, एग्जामिनर न्यूमेरिकल में गिवन देगा बेटा, ठीक है। चलो आ गया, जो ये हो गया देखो बेटा, और हाँ आप केबी और केएफ की वैल्यू थ्योरेटिकली निकाल सकते हो,
ठीक है। हाँ बस ये कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, फिर हम अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। ये भी लिखो कि वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ के बी एंड के एफ बाई फॉलोइंग फार्मूला। मैं कुछ दो फार्मूला दे रहा हूं जिससे आप KB और KF की वैल्यू निकाल सकते हैं। KB की वैल्यू होती है बेटा, निकालने का फार्मूला R कैपिटल M इंटू R कैपिटल M, ये सॉरी M M A, M A मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। M क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और T नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, टी नोट का क्या है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, ये वैल्यू है, ठीक है। हाँ दोनों सारे टर्म बता दूंगा क्या क्या है ये, ठीक है। एक बार के एफ और लिख लो, के एफ का फार्मूला मेरा बच्चा आर तो आर ही रहेगा, एम एक की जगह एम ए रहेगा, टी नोट की जगह टी नॉट ही रहेगा, मैं दोनों फर्क बता दूंगा क्या है, डिवाइडेड बाई 1000 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय वेपराइजेशन की जगह आ जाएगा डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन 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 फ्यूजन। हाँ ये निकालने का फार्मूला है बेटा, ठीक है। हाँ अब दोनों मीनिंग बता देता हूँ, दोनों का समझो। जब आप के पी कैलकुलेट कर रहे हो तो R क्या होता है? R सबको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ ये गैसीय स्टेट में यूज करते थे, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट। और R की वैल्यू आप कितना ले सकते हो, अगर हम किसमें बात करेंगे ऐसा यूनिट में बात करेंगे तो कितना आएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये पता है सभी को। चलो और MA, MA फॉर सॉल्वेंट, M फॉर मोलर मास, तो MA दोनों में कॉमन है। MA क्या है? मोलर मास किसका? सॉल्वेंट का, क्योंकि मैंने बोला था KB और KF की वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट है, तो सारी बात सॉल्वेंट की करेंगे, सॉल्यूशन की नहीं करेंगे। तो यहां पर MA और MA क्या है? सॉल्वेंट का मोलर मास, जिस सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं उसका। T नोट, देखो KB की बात करेंगे तो T नोट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और KF की बात करेंगे तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। यहां पर बात करूंगा तो ये तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग के लिए बात करूंगा तो T नोट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है मेरा बच्चा। चलो और 1000 दोनों में है। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लिख लो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी वेपराइजेशन बेटा इतनी हीट होती है किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और एंथैल्पी फ्यूजन क्या होता है? किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में लाने के लिए जितना एंथैल्पी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये KB KF निकालने का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। हाँ क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है? चलो बेटा आगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? अरे आगे चलो मेरे बच्चों। इशिका शर्मा, ये कौन सी क्लास है बेटा? इशिका शर्मा, चलो बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे। चलो बेटा अब न्यूमेरिकल लिखो, बढ़िया सा न्यूमेरिकल देता हूं, अच्छा था और काफी नॉलेज देके जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ध्यान से करना।
चलो देखो न्यूमेरिकल देखो, डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट पे न्यूमेरिकल देता हूँ, अच्छे से करना, देखता हूँ कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। मैंने कह दिया बेटा न्यूमेरिकल है कि 3.33 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। कितने वाटर में है? 200 ग्राम पानी में है। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, और आपको वाटर के लिए केएफ की वैल्यू जो लेनी है 1.86 लेनी है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, चलो हो जाओ शुरू करो, कौन देखो कौन करेगा। हाँ, इसमें मोलर मास चाहिएगा तो क्लोरीन का एटॉमिक मास बता देता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 लेना है। अरे क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है एक का, कर लो। देखते हैं किसका सही आता है। निकालो बेटा निकालो, आपको मैं पूरे 2 मिनट दे रहा हूं। इतना मैं देख लेता हूँ अटेंडेंस, कौन बच्चा लाइव क्लास में बिल्कुल अच्छे से पाता है। अच्छा इसी का शर्मा 12 सी, अच्छा सॉरी बेटा भूल गया था। चलो चलो बेटा निकालो निकालो, बहुत अच्छे बच्चे। कृतिका, नीरू जांगीड, वासु, दिशु राव, इमानी सोनी, बहुत अच्छे बच्चे। संदीप कटाना, खुशी गोयल, अश्विनी, कनक, वंशिका, कोमल, प्राची, बहुत अच्छे बच्चे। भूपेंद्र, चलो निकालो बेटा निकालो। ठीक है, आया किसी का आंसर? किसी का आंसर नहीं आया, बहुत ही स्लो चल रहे हो बच्चों। नहीं हुआ क्या? चलो चलो तुम निकालो, मैं मैच करता हूं किसका ठीक आता है। पहले देखो गिवन लिख लेते हैं, डब्ल्यू बी कितना है, सॉल्यूट का वेट 3.33 ग्राम, सॉल्यूट का मोलर मास, अरे सॉल्यूट का मोलर मास निकाला किसी ने? सॉल्यूट का मोलर मास बताओ, सॉल्यूट का मोलर मास नहीं पता? अरे ऐड करो बेटा, 111 बिल्कुल सही। वैसे तो 110 नहीं होता बेटा, 111 लेंगे। हाँ 111 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, एक का 35.5, दो का कितना आएगा 71। अरे कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का होता है 40, एक का 35.5, दो का 71, 111 हो गया। तो 111 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल होती यूनिट। सॉल्वेंट का वेट कितना है, पानी कितना है 200 ग्राम, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। केएफ दे ही रखा था, डेल्टा टीएफ निकालो पहले। डेल्टा टीएफ कितना आएगा, केएफ की वैल्यू, केएफ 1.86, केबी, डब्ल्यूबी कितना है 3.33 डिवाइड बाई 111, नीचे 200, ऊपर 1000। बेटा 3.33 निर्देश सर ने बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि वो 111 से कट जाएगा बेटा। 3.33 में थोड़ी मजाक मजाक में दे दूंगा 3.33, 3.33 का पॉइंट हटाओ। अरे 3.33 का पॉइंट हटाओगे तो 100 नीचे चला जाएगा, 100 नीचे आ गया। अब 111 333 तीन पे गया सीधा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, बस कितना बचा, 3/20 आ गया। देखो 3 और नीचे 10 दूनी 20,
तो डेल्टा टीएफ कितना आया, 1.86 गुणा 3, नीचे कितना है 20। इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया डेल्टा टीएफ। बेटा मैथमेटिक्स ले रखा है, इतना जल्दी करो यार। वासु पंचाल कह रहा है सर आई एम मेडिक नॉन मेडिकल स्टूडेंट सो कैन आई वॉच योर चैप्टर वन। हाँ बेटा देख सकते हो, देख लो आराम से। 0.27 बेटा, 0.27 आ रहा है सभी का, करो यार जल्दी आंसर करो। हाँ इसी का नहीं करके दिया, 0.279, बहुत बढ़िया 0.279 हो गया। ये क्या आया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन अपने को तो क्या निकालना है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, सॉल्यूशन का। तो करो आप ये करेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल्टा टी एफ जो होता है वो टी नोट माइनस टी एस होता है। अपने को टी एस निकालना है, तो टी एस क्या हो जाएगा, माइनस का इधर ले आया प्लस का हो गया, और टी नोट में से डेल्टा टी एफ घटा दो, टी नोट में से क्या घटा दो, डेल्टा टी एफ। अब टी नोट ध्यान रखना क्या लेना है, ये वैल्यू कैल्विन में निकली है, काफी बच्चे गड़बड़ ना कर दे बेटा, कैल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये वैल्यू कैल्विन में निकली, कैल्विन में, कभी सेल्सियस के अकॉर्डिंग चलो, किसमें निकली है कैल्विन में। अब तो टी नोट की वैल्यू कितनी लोगे, टी नोट की वैल्यू लोगे 273.15 कैल्विन। बताया था वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स होता है माइनस 0.27, कितना आएगा 15 तो ये गया, और 272.15 और 12 88 बचेगा, ये आएगा आंसर 272.18। चेक कर लो एक बार, 272.88 क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन है। हाँ बहुत ही प्यारे बच्चे, सर विच बुक इज बेस्ट फॉर केमिस्ट्री केवीपीवाई। बेटा केमिस्ट्री केवीपीवाई की अगर तैयारी कर रहे हो आप, तो एनसीईआरटी पढ़ो पहले तो, ठीक है, तो एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है, जो एनसीईआरटी को छोड़ के जाता है उसका कभी नीट क्लियर नहीं होता। नीट केवीपीवाई किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है, पहले एनसीईआरटी की अच्छे से दोनों उसको। चलो नीरू जांगीड बहुत बढ़िया बच्चा, नीरू जांगीड बहुत अच्छा, 272.88 ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे हल्के 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 फुल्के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रिलेट कराता हूं बेटा, अब मुझे बताओ जल्दी से, हम यहां पर इंडिया में फोर व्हीलर यूज कर रहे हैं, है ना, गाड़ी वगैरह कार वगैरह, तो कार के रेडिएटर में पानी भरा होता है, ध्यान से सोचना, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब सभी बच्चों का ध्यान यहां पर हो, कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा, सभी बच्चों का ध्यान मेरी तरफ हो जो मैं बताना चाह रहा हूं। बेटा मैं कह रहा हूं कि इन इंडिया हम गर्मी में क्या करते हैं, कार के रेडिएटर में, गर्मी सर्दी कुछ भी हो, कार के रेडिएटर में पानी डालते हैं, है ना। लेकिन कई बार आप देखते होंगे रेडिएटर गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो कई बार हम रेडिएटर में ठंडा पानी भी डाल देते हैं ताकि रेडिएटर ठंडा हो जाए। और कार के रेडिएटर का ना, एक कार के एसी से बहुत डायरेक्ट रिलेशन होता है, कई बार कार का रेडिएटर बहुत गर्म हो जाता है ना, तो अंदर गाड़ी में एसी काम नहीं करता ठीक से, तो गाड़ी का एसी ठीक से अंदर काम करे कि, तो कार के रेडिएटर को हम ठंडा रखने की कोशिश करते हैं, तो रेडिएटर में ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि कार का रेडिएटर इतना गर्म ना हो जाए कि पानी अंदर से एसी काम ही ना करे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कूलेंट डालते हैं बच्चे ने सही बोला, कूलेंट भी डालते हैं, हाँ वास्तु ने सही बोला बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं पानी के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो आप एक ऐसे कोल्ड कंट्री में चले गए, ऐसे कोल्ड कंट्री में मतलब ऐसा ठंडा देश जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो वहां पर तो आपके कार के रेडिएटर का पानी तो जम जाएगा भाई, कार के रेडिएटर में जो पानी है वो तो फ्रीज हो गया, तो
व्हीकल्स चलेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। दुष्यंत देखो कितना इंटरेस्टिंग, अगर आप सोच के देखो सर, कार के रेडिएटर में पानी होता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जीरो होता है, और ऐसे देश में चले जाएं जहां पर कोल्ड कंट्रीज हैं, जहां पर टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मान लो आपने किसी जगह पर सर्दी में शिमला या कश्मीर विजिट किया, फोर व्हीलर है, कश्मीर या शिमला मान लो, और वहां पर हैवी हेल स्टॉर्म हो गया, बहुत ही भारी बर्फबारी हो गई, और टेम्परेचर जीरो से नीचे चला गया, और कार के रेडिएटर का पानी फ्रीज हो गया, कार के रेडिएटर का पानी फ्रीज हो गया, तो बेटा आपका व्हीकल चलेगा नहीं, ऑपरेट ही नहीं करेगा, इंजन अपना उठाएगा नहीं। मतलब कहने का मतलब है कार के व्हीकल्स में रेडिएटर का पानी जम गया तो व्हीकल्स ऑपरेट ही नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में मेरे बच्चे क्या करेंगे, फंस गए ना। तो यहां पर हमारी केमिस्ट्री काम आएगी, यहां पर मेरे बच्चे केमिस्ट्री काम आएगी। कभी कभी चीजें, कभी कभी ज्ञान बुक की नॉलेज से बाहर कभी लिया करो कि सर ऐसे केस में तो फंस गए, कार के रेडिएटर का पानी तो जीरो से नीचे जम जाता है तो व्हीकल्स तो ऑपरेट नहीं करेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, कार के रेडिएटर में जहां पर ठंडे इलाके होते हैं, वहां पर कार के रेडिएटर में पानी के साथ एक ऐसा सब्सटेंस डाला जाता है जो पानी को जमने से रोकता है, और उस सब्सटेंस का नाम है एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस, जो पानी को जमने नहीं देगा। और वो एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस पता क्या होता है कोल्ड कंट्रीज में, वो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इथाइलिन ग्लाइकोल, और इसका फार्मूला होता है CH2OH, यानी कि अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो दो कार्बन है इथेन, पहले कार्बन पे भी अल्कोहल है, दूसरे कार्बन पे अल्कोहल है, तो इथेन 1,2-डायोल, ये इसका IUPAC नेम है, और कॉमन नेम क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये सॉल्वेंट डाला जाता है बेटा, ये सॉल्यूट डाला जाता है। अब मेरी ध्यान से सुनो कि सर ऐसा हुआ कैसे। मान लो, ध्यान से सुनना, कोल्ड कंट्रीज के अंदर मान लो टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस चला गया, कितना चला गया -2 डिग्री सेल्सियस, और -2 डिग्री सेल्सियस पे तो कार के रेडिएटर का पानी जम जाएगा। तो अब पानी को जमने से बचाने के लिए हम पानी के अंदर क्या डाल देंगे, थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकोल। अब मेरे दोस्तों ट्विस्ट समझो, ट्विस्ट देखो कहानी में क्या बदलाव आएगा। मैं कहना चाह रहा हूं ये इथाइलिन ग्लाइकोल कुछ और नहीं है, ये बेटा आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। आप लगा रहे हो दिमाग उधर उधर का, और मैं लगा रहा हूं कॉन्सेप्ट। बेटा आपका इथाइलिन ग्लाइकोल कुछ और चीज नहीं है, इट इज जस्ट ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और जब ये वोलेटाइल सॉल्वेंट मतलब पानी में एंट्री करेगा तो ये वेपर प्रेशर कम करेगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का कम। तो अब आपका इथाइलिन ग्लाइकोल पानी में जा चुका, ध्यान से सुनना, आपका इथाइलिन ग्लाइकोल की पानी में एंट्री हो चुकी है, और पानी में एंट्री होने के बाद वो सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन जीरो पे फ्रीज नहीं होता, जीरो से कम पे फ्रीज होगा। तो जो आपका पानी जीरो पर जम रहा था, अब वो -2, -3, -4 तक भी नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल उसको जमने नहीं दे रहा। इथाइलिन ग्लाइकोल ने जैसे ही पानी में एंट्री की उसने सॉल्यूशन बना लिया, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, इसलिए जो पानी जीरो पे जम रहा था वो -3, -4 तक भी नहीं जमेगा। मेरी बात आपको क्रिस्टल क्लीन हुई? नहीं हुई तो दोबारा बताऊंगा बेटा, नहीं हुई तो नितेश सर दोबारा बताएंगे, लेकिन आपके दिमाग में सेट करके जाऊंगा। हां जी,
वासु पंचाल बेटा नया बच्चा आया कह रहा है सर मुझे केवीवाई के प्रिय सर क्वेश्चन देख के बट नॉट एबल टू एबल टू क्वेश्चन। अच्छा 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 बेटा हो जाएंगे टेम क्वेश्चन की बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन आपके पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। आप क्वेश्चन के 1000 लगा लो, आप नीट के पीवाई की 1000 लगा लो, लेकिन क्वेश्चन पे कमांड तब आएगी जब आपका अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर चैप्टर ही नहीं पढ़ रखा और क्वेश्चन लगाए जा रहे हो तो बेटा क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं है। चाहे जेई मेंस के आप 1000 क्वेश्चन कर लो लेकिन चैप्टर पे कमांड नहीं है तो क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है, है ना। हाँ एक बार चैप्टर पूरा करो, अच्छे से धुल लो उसको और फिर देखो क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है बेटा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है ध्यान से सुनना बेटा, बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल पता है क्या काम कर रहा है, यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर रहा है कि जो पानी जीरो पे जम रहा था उसको जीरो पे जमने नहीं दे रहा है, -2 -3 तक भी नहीं दे रहा। अब क्वेश्चन पुटअप होता है, मान लो आपके कोल्ड कंट्री का टेम्परेचर इथाइलिन ग्लाइकोल डालने के बाद, मान लो इथाइलिन ग्लाइकोल डालने के बाद पानी में वो -2 तक, वो -2 डिग्री सेल्सियस तक पानी को जमने नहीं दे रहा। मान लो बर्फबारी और तेज हो गई, ध्यान से सुनो मेरी बात को, आज मैं आपके दिमाग के ढक्कन खोल के जाऊंगा। मान लो बर्फबारी और तेज हो गई, हेल स्ट्रोम और तेज हो गया, ठंडी हवाएं चलने लग गई और हेल स्ट्रोम इतना तेज हो गया, बर्फबारी इतना तेज हो गई कि टेम्परेचर घट करके -4 हो गया, टेम्परेचर घट करके -4 हो गया। अब पानी फिर जम जाएगा क्योंकि क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल तो क्या कर रहा था, पानी को -2 तक जमने से नहीं रोक रहा था। अब मैंने कहा था बर्फबारी तेज हो गई और टेम्परेचर -4 हो गया, अब पानी फिर जम गया, अब क्या करोगे, अब बताओ मेरे बच्चों क्या करोगे। जल्दी बोलो यार, डरो मत यार, बहुत बढ़िया फाड़ू क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग, क्या करोगे अब देखो। ये आग उग नहीं भेजनी, आग थोड़ी लगानी है, आंसर करो। मेडिकल में कोई बच्ची आंसर करो बेटा, मेडिकल में अरे बेटा इतना हल्का सा क्वेश्चन है यार ये, मुझे बताओ ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कर कौन रहा है ये तो बताओ। अरे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कर कौन रहा है ये तो बता दो, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कौन कर रहा है ये तो लिख दो चैट सेक्शन में। अरे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कौन कर रहा है, अरे हद होगी यार, पता ही नहीं है क्या बच्चों। मतलब यार बच्चे आप जान मेरे को बिल्कुल इथाइलिन ग्लाइकोल कर रहा है ना, फिर इतने लेट आंसर क्यों कर रहे हो, मतलब इतने खराब हो गए क्या बच्चे आप, इसको आप नितेश सर आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। अरे इथाइलिन ग्लाइकोल डिप्रेशन कर रहा है ना तो वो डाल दो, हद हो गई यार, मतलब इतना हल्का सा क्वेश्चन पूछा मैंने वो उसमें फंस गई। अरे इथाइलिन ग्लाइकोल डिप्रेशन कर रहा है तो और डाल दो ना, ताकि वो -2 -4 तक रोक ले, और डाल दो बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वी हैव टू ऐड मोर अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट जितना बढ़ेगा बेटा, देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका WB तो है, सॉल्यूट का वेट ही तो है WB, WB बढ़ेगा तो सॉल्यूट के मोल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो ΔTF ज्यादा आएगा। यार कितना आसान था कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ΔTF बढ़ाना है मेरे बच्चे तो सॉल्यूट का वेट बढ़ाना पड़ेगा, सॉल्वेंट का फर्क नहीं पड़ता, पानी तो पहले भी उतना ही था मेरे दोस्त, पानी नहीं बढ़ाना सॉल्यूट बढ़ाना है। तो अगर जो भारी बर्फबारी होने से टेम्परेचर -2 से घटकर -4 आ गया तो अब पानी को जमने से रोकना है तो इथाइलिन ग्लाइकोल और डाल दो, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल जितना ज्यादा डालेंगे पानी उतना लो टेम्परेचर पर फ्रीज होगा,
उतने लो टेम्परेचर पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मेरा नेटवर्क बिल्कुल ठीक है बेटा, आप अपना नेटवर्क चेक करो। चलो ठीक है बेटा। हाँ तो जाते जाते ये पॉइंट नोट करके जाओ। हाँ जाते जाते ये पॉइंट नोट करके जाओ। क्या बोला मैंने लिखो। अरे मेरी भावनाओं को समझो मैं क्या कहने जा रहा हूं। लिखो ये क्या है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अरे फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आ रहा है ना, ये इसकी एप्लीकेशन है। क्या है कि इन कोल्ड कंट्रीज, इन कोल्ड कंट्रीज वेयर टेम्परेचर गोज बिलो 0 degree Celsius द वाटर प्रेजेंट इन व्हीकल्स रेडिएटर, व्हीकल्स के रेडिएटर में जो पानी होता है गेट फ्रीज, वो फ्रीज हो जाता है। सो इन दैट केस वी एड एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस। इस केस में हम एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस डालते हैं और ब्रैकेट में लिख दो इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल टू वाटर विच एक्ट एज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, विच एक्ट एज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड डिप्रेसिज फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मत लिखना, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। सो सॉल्वेंट डू नॉट फ्रीज एट 0 degree Celsius और लेसर देन 0। जीरो पे भी नहीं जमेगा और जीरो से कम पे भी नहीं जमेगा मेरे प्यारे बच्चे। नितेश सर आपके ऐसे सर हैं बेटा, आपको हर चीज के मैं नोट्स बनवा के दूंगा। आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ऐसे ऐसे गाइडलाइंस दूंगा, अच्छे अच्छे तरीके से बताऊंगा सारी एक्सप्लेनेशन। ये बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एप्लीकेशन है कि हम कोल्ड कंट्रीज में जहां पे टेम्परेचर जीरो से नीचे चला जाता है वहां पर व्हीकल के रेडिएटर में जो पानी होता है वो जम जाता है। सो इन दैट केस हम पानी के अंदर एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं जो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का काम करता है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कर देता है, और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कर देगा तो जो आपका सॉल्वेंट है वो फ्रीज नहीं होगा 0 degree Celsius पर भी और 0 degree Celsius से नीचे भी फ्रीज नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चों, एकदम क्रिस्टल क्लीन है, थम्स अप कर दो। मजा आया कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया। जुखाम लग रही है बेटा मेरे, जुखाम। कल अगर लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कल हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, कल हमारे चैप्टर का लेक्चर नंबर 20 आएगा, लेक्चर नंबर 20 एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है हाँ जी। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आज हमारे 19 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1 से लेक्चर 19।
आपको किसी भी लेक्चर में ऐसा लगा हो जहां पर कोई कमी रही हो, जहां पर सर हमें समझ में नहीं आया या सर आपने समझाने में कोई कमी छोड़ दी, ऐसा कोई चीज हो मुझे जल्दी से बताओ, फिर हम कल लेक्चर नंबर 20 के साथ इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और सारे न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलमोस्ट तरीके से बता दिए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बेटा मेरी बात एक बात और सुनो, चलो बात कल करेंगे, आज थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा हो गया, चलो बात कल करेंगे, ठीक है, कल मिलते हैं थोड़ी देर के। और जो बच्चा 11th की क्लास देखना चाहता है, 11 बजे स्टार्ट होगी आज, ठीक है, उसमें मैं मॉल कॉन्सेप्ट और स्टोकोमेट्रिक के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, आप आके एंजॉय कर सकते हैं। और लिंक तो मैं दूंगा नहीं शायद, क्योंकि 11th की क्लास है, ग्रुप में लिंक नहीं दूंगा, आप सीधा डायरेक्ट व्हाट्सएप पे सॉरी यूट्यूब पे आके लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। मेरा चैनल का नाम आपको पता ही है, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। चलो चलो कल मिलते हैं बेटा, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ 9:40 पे। और कल लेक्चर को भी शायद कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म हो जाए, नहीं हुआ तो एक चैप्टर एक लेक्चर और ले लेंगे, ठीक है बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट, अटेंडेंस लगा देना अपनी।